जब भी हम एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन मतलब किसी भी सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करना, तो दो टॉपिक हमारे सामने आते हैं, ओमिशन और एडिटिंग। ओमिशन का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में कुछ तो मिसिंग है, कोई पार्ट मिसिंग है, कोई वर्ड या वर्ड का कॉम्बिनेशन मिसिंग है। और एडिटिंग का मतलब है कि किसी सेंटेंस में किसी भी पार्ट में कोई गलती है, किसी वर्ड में, उसकी स्पेलिंग में, वर्ब की फॉर्म में, टेंस में गलती है या किसी फ्रेज में गलती है। तो कोई भी गलती है उसके लिए हम एडिटिंग वर्ड का यूज करते हैं कि उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में हमें क्या करने की जरूरत है, एडिटिंग करने की जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैराग्राफ आपके सामने है, रंजन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। रंजन मेरी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो उनमें से एक है। बट ही लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ही इज वन इन दोज, वो उनमें से एक है, हु हेल्प मी कंप्लीटिंग द होमवर्क वेल इन टाइम, जो मुझे हेल्प करते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में समय पर। दैट्स वाई, इसीलिए ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड टू, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कहां पर क्या एरर है। रंजन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ऐसे सेंटेंस में जहां पर भी आप देखें वन ऑफ द का फ्रेज, हमेशा याद रखिए कि वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन यूज होगा ना तुरंत बाद, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बुक्स, यूनिवर्सिटीज, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। बट ही लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन ही लैक्स, उसके अंदर कमी है कॉन्फिडेंस की। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लैक एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब आया, एज अ क्रिया, यहां पर क्रिया की तरह आ रहा है ना, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है ये, तभी तो क्रिया के साथ में, वर्ब के साथ में एस सी एस का यूज कर रहे हैं आप, लैकिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में, या लैक के साथ एस सी एस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑफ का यूज नहीं करना है। बट ही लैक्स कॉन्फिडेंस। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे अगर लैक का यूज एक नाउन की तरह सेंटेंस में आता है ना, तो वहां पर ऑफ का यूज जरूर होता है जब लैक का यूज एक नाउन की तरह आता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहां पर लैक का यूज एक नाउन की तरह आया है, कॉन्फिडेंस की कमी, ये है मतलब, कॉन्फिडेंस की कमी है रीजन, कारण ऑफ हिज फेलियर, उसकी फेलियर का। हालांकि इस सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो लैक ऑफ की जगह मैं केवल जेरंड फॉर्म का यूज कर लूं और लैकिंग कह दूं। आप जानते हैं ना, किसी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, और या फिर जेरंड की तरह, तो यहां पर ऐसा जेरंड यूज हो रहा है। फिलहाल ज्यादा ग्रामर की डिटेल पे अगर आप ना भी जाएं, तो इतना याद रखिए कि जब भी लैक का यूज एक वर्ब की तरह होगा, जैसे आईएनजी लग जाए या एस ई एस लग जाए, ऐसे में आप उसके तुरंत बाद ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या कहेंगे आप, लैकिंग कॉन्फिडेंस इज द रीजन ऑफ हिज फेलियर। और अगर लैक को एज अ वर्ब, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो कहेंगे द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द रीजन ऑफ हिज फेलियर। तो ऑफ यहां पर नहीं आएगा। इसके अलावा जरा देखिए यहां तक, क्या कोई और मिस्टेक आपको नजर आ रही है? यहां पर एक और गलती है जो बहुत कम स्टूडेंट पकड़ पाए होंगे, और वो गलती है स्पेलिंग की। यहां पर ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ई, कॉन्फिडेंस। ये देखिए, ये होती है कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग। तो हर चीज पे आपको ध्यान देना है। ही इज वन इन दोज हु हेल्प मी कंप्लीटिंग द होमवर्क वेल इन टाइम। सबसे पहली बात, ही इज वन इन दोज, वन इन दोज, इन तो कभी आएगा ही नहीं। जैसे यहां पर भी अगर कोई कहते हैं वन इन द बेस्ट स्टूडेंट्स, इन तो कभी आएगा नहीं, कई बार आता है एग्जाम्स में, इनको आपको तुरंत चेंज करना है ऑफ में। ही इज वन ऑफ दोज
वो उनमें से एक है, ही इज वन ऑफ दोज हु हेल्प मी, जो मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, यहां पर हु, क्योंकि ये कोई लिविंग बीइंग है इसलिए हु का यूज बिल्कुल सही है, हु हेल्प मी, जो मेरी हेल्प करता है। अच्छा, वो तो एक ही व्यक्ति है, तो यहां पर हेल्प के साथ में तो फिर एस लगना चाहिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में, जो मेरी हेल्प करता है ना। दूसरी बात, हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है ना वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म में आप यूज नहीं करते हैं, ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगी। कैसे यूज होगी? कंप्लीट, या फिर एक और तरीका है टू कंप्लीट, यानी कि या तो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव, टू का यूज नहीं हो रहा है, या फिर इंफिनिटिव फॉर्म टू के साथ में कंप्लीट। तो जनरली आप हमेशा ये देखेंगे, हु हेल्प्स मी कंप्लीट द होमवर्क वेल इन टाइम। अब देखिए, यहां तक कोई और गलती आपको नजर आ रही हो तो यहां पर एक और मिस्टेक है, और वो मिस्टेक है होमवर्क, जो आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है, ये जो है ना, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं, ये एक सिंगल वर्ड होता है। क्या होता है ये? ये होता है होमवर्क, सिंगल वर्ड, होमवर्क एक वर्ड है ये, ठीक है। वेल इन टाइम, वेल इन टाइम का मतलब होता है समय पर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फ्रेज यूज किया जाता है। तो अब ये क्या हो गया? ही इज वन ऑफ दोज हु हेल्प्स मी कंप्लीट द होमवर्क वेल इन टाइम, दैट्स व्हाई, इसीलिए, ही इज माय द बेस्ट फ्रेंड टू, दैट्स व्हाई। आप देख रहे हैं यहां पर दैट्स व्हाई, ये दैट्स, ये तो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज का, तो यहां पर अपोस्ट्रॉफी आएगी ना, That's why, जो कि एक्चुअल में क्या है, that is why, that is, वो है मेरा the best friend। तो generally आप देखते हैं, जब भी आप superlative degree use करते हैं, जैसे यहां पर good की superlative degree best का use हो रहा है, उससे पहले आप the का use करते हैं, ये बात सही है, लेकिन जब भी उससे पहले आप देखते हैं my, his, her, your, ऐसे में आप the का use नहीं करते, तो इसका यूज आप नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी गलतियां यहां पर निकली है। तो एक और पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ नंबर टू, ट्रैफिक इन सच अ सिटीज हैव बिकम अ प्रॉब्लम नाउडेज, इस तरह के शहरों में ट्रैफिक बन गया है आजकल नाउडेज क्या एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बन गया है। आई ऑफन सी यंग मोटरसाइकिलिस्ट टू राइड एट ब्रेक नेक स्पीड टू शो ऑफ देयर सुपीरियरिटी ओवर अदर, मैं अक्सर देखता हूं यंग मोटरसाइकिलिस्ट्स को, जो कि मोटरसाइकिल चलाते हैं यंग, टू राइड एट ब्रेक नेक स्पीड, गर्दन तोड़ देने वाली स्पीड, यानी बहुत ज्यादा स्पीड के लिए यूज करते हैं इस तरह से, बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते हुए मैं देखता हूं यंग मोटरसाइकिलिस्ट्स को, टू शो ऑफ देयर सुपीरियरिटी ओवर अदर, दिखावा करने के लिए शो ऑफ करते हैं वो अपनी सुपीरियरिटी, अपना प्रभुत्व दूसरों के ऊपर गाड़ी को तेज चला करके। तो ये पैराग्राफ का मीनिंग है। अब यहां पर हमें एरर पहचानना है। पहला सेंटेंस, ट्रैफिक इन सच अ सिटीज हैव बिकम अ प्रॉब्लम नाउडेज, यहां पर आपको कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। ट्रैफिक कहां पर? इस तरह के शहरों में। अब अगर कोई एक सिटी की बात होती तो यहां पर लिखते हम सच अ सिटी, CITY, लेकिन एक से ज्यादा की बात हो रही है। जब एक से ज्यादा की बात हो, इस तरह के शहर एक से ज्यादा हैं, एक आई यूज नहीं होगा। ट्रैफिक इन सच सिटीज है बिकम, बन चुका है एक प्रॉब्लम इन दिनों। अब यहां पर क्या गलतियां हैं? हैव बिकम, हैव आएगा या हैज आएगा, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी फोकस ट्रैफिक पे है, ना कि सिटीज पे। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि इसके हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? इन शहरों का ट्रैफिक,
ये है मेन सब्जेक्ट, तो यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज बिकम, ये ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है, बिकम बिकेम बिकम, ये ठीक है। अ प्रॉब्लम नाउ डेज, यहां पर अगर आप नोट करें, नाउ अ डेज, ये अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं, ये एक सिंगल वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड क्या होता है, ये नाउ डेज। ये एक सिंगल वर्ड है, अलग अलग नहीं। ट्रैफिक इन सच सिटीज हैज बिकम अ प्रॉब्लम नाउ डेज। आई ऑफन सी यंग मोटरसाइकिलिस्ट टू राइड एट ब्रेकनेक स्पीड टू शो ऑफ देयर सुपीरियरिटी ओवर अदर। क्या प्रॉब्लम है, कहां कहां पर गलतियां हैं इस सेंटेंस में, आइए देखते हैं। आई ऑफन सी, मैं अक्सर देखता हूं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में, ठीक है, आई ऑफन सी, मैं अक्सर देखता हूं, अब किसे देखता हूं, यंग मोटरसाइकिलिस्ट्स को देखता हूं, ये ठीक है। क्या करते हुए देखता हूं, चलाते हुए, चलाते हुए के लिए टू राइड नहीं, आप क्या यूज करेंगे, जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे, ये हो जाएगा राइडिंग। अच्छा ये ना थोड़ा प्रैक्टिस से भी आता है, अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह का होता, आई ऑफन टेल, मैं अक्सर बताता हूं यंग मोटरसाइकिलिस्ट को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, टू राइड, तो वहां पर टू राइड ठीक रहता, क्या करने के लिए बताता हूं, चलाने के लिए बताता हूं, स्लोली, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, टू राइड स्लोली, आई ऑफन टेल यंग मोटरसाइकिलिस्ट टू राइड स्लोली ऑन द रोड्स, तब तो ये सही होता, लेकिन मैं देखता हूं तो क्या देखता हूं, चलाते हुए देखता हूं, तो राइडिंग, चलाते हुए, मिलते हुए, मीटिंग, बैठे हुए, सिटिंग, इस तरह सही होता है। राइडिंग एट ब्रेक नेक स्पीड, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दो अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं ना, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है, बल्कि ब्रेक नेक एक सिंगल वर्ड होता है, ब्रेक नेक, या तो ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है, बीच में आप एक हाइफन, छोटा सा डैश लगा देते हैं। एट ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक स्पीड का मतलब होता है बहुत ही तेज, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, ये सेंस है। टू शो ऑफ, ये जो ऑफ है ये ओ एफ नहीं बल्कि ये वाला होता है, शो ऑफ, ये होता है ना शो ऑफ। देयर सुपीरियोरिटी ओवर अदर, उनकी सुपीरियोरिटी दूसरों के ऊपर, तो ये देयर तो नहीं आएगा, ये देयर मतलब तो होता है वहां, वो होता है देयर, उनका, उनकी सुपीरियोरिटी, यानी उनकी अपनी सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, अपना वर्चस्व दिखाना। दूसरों के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को शो ऑफ करने के लिए बहुत तेज स्पीड में चलाते हुए मैं अक्सर देखता हूं किसे, यंग मोटर साइकिलिस्ट को। इस तरह का एक आर्टिकल मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें कई सारे पैराग्राफ्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में एरर ढूंढने की आप प्रैक्टिस करते हैं। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।